हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी कोचिंग का टूर करवाऊंगा। ऑफलाइन क्लासेस इस टाइम बंद चल रही हैं, तो हो सकता है कि आपको लगे काफ़ी कुछ चीज़ें अनसिस्टमेटिक वे में हो सकती हैं, तो उनको थोड़ा सा मैनेज करिएगा और देखिएगा कैसी मेरी कोचिंग, जहां पर मैं पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूं। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में, तो पूरा वीडियो को देखिएगा। ग्राउंड फ्लोर पर मैं रहता हूँ और जो कोचिंग है वो फर्स्ट फ्लोर पर है, तो सबसे पहले हम लोग ऊपर चलते हैं और वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक क्लास रूम देखेंगे और उसके बाद फिर मैं बाकी का एरिया भी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको लेके चलता हूं अपनी क्लास रूम में। यहां पर आप देख सकते हो कि ये एक मेरा क्लास रूम है, जिसमें मैंने 2 या 3 साल पहले, लगभग 2-2.5 साल पहले की बात होगी, मैंने ये स्मार्ट बोर्ड लिया था। बट मैंने बहुत ज़्यादा इसको यूज नहीं करा, और क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है क्लास चौक वाले बोर्ड पर लेना, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो। और ये उसका प्रोजेक्टर है। उसके बाद ये एक और बोर्ड मैंने यहाँ पे लगाया था जब ऑनलाइन क्लास लेना स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा था कि इस बोर्ड पर ज़्यादा मुझे कंफर्टेबल रहेगा। लाइटिंग भी आप देखो, मैंने काफ़ी लगाई थी इसके लिए, बट ये भी मैंने क्लास, मैं इस पर ले नहीं पाता हूँ क्लास जनरली ऑनलाइन में। तभी आपने देखा होगा जनरली ग्रीन बोर्ड पर ही मैं क्लास लेता हूँ, क्योंकि लाइटिंग का सेटअप मैं उतना अच्छा नहीं कर पाया। ये रूम थोड़ा सा, यहाँ पे नेचुरल लाइट नहीं आती है, तो उतना लाइटिंग का सेटअप मुझे समझ भी नहीं आया, और मैंने बाकी कोई दूसरी लाइट ले भी नहीं रखी है। तो इस वजह से यहीं पे ये क्लास मैं करता हूँ। बाहर वाली वो अभी मैं क्लास आपको दिखाऊंगा। अगर आपको कुछ आइडिया है कि मैं लाइटिंग को कैसे सेटअप करूँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरा कोचिंग का मैंने छोटा सा रिसेप्शन जैसा बना रखा है। यहाँ पर जनरली मैं बैठता हूँ, ये मेरा लैपटॉप है, और इसी पे मैं, इस पर मैं एडिटिंग नहीं करता, बट मैं इसका जो भी स्कूल का वर्क होता है या जो भी वर्कशीट होता है उसको मैं यहाँ पे इस पर करता हूँ। ये मेरा एक स्कूल का फोटोग्राफ है, लास्ट ईयर का ही, 2019-20, मतलब यही बैच जब ये पास आउट हुआ था उसी का है। और ये इसी चेयर पर मैं जनरली बैठता हूँ। यहाँ पर कुछ ये बुक्स मैंने रखी हैं, आप ये देख सकते हो कि ये कुछ बुक्स हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से नहीं है। और उसके बाद ये मेरी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये टाइम टेबल लगा हुआ है, काफ़ी पुराना है क्योंकि इस टाइम तो क्लास चल नहीं रही है। ये एक मैंने स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करवाया था उसका ये कंप्लीट लगा हुआ है। और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस तरह से एक गैलरी टाइप से बनी हुई है। और अब मैं वहाँ पर आपको लेके जा रहा हूँ जहाँ पर ऑनलाइन क्लास मैं जनरली लेता हूँ। तो ये क्लास ऐसे बनी रखी, काफ़ी चेयर्स यहाँ पर मैंने, पुरानी चेयर्स यहाँ पर ऐसे रखी हुई हैं। ये 2 चेयर मैंने अभी लगा दी थी, मीन्स अभी थोड़ा मैंने मेहनत कर ली आपके लिए जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने ये 2 चेयर रख दी। वैसे इतना सिस्टमेटिक होता नहीं है जनरली। तो यहाँ पे आप देखो, ये यही वो जगह है जहाँ पे हम लोग शूट करते हैं, और इस तरीके से रहता है ये। तो पीछे से आप देखो पूरा बैकग्राउंड से ही लाइट आती है। मैंने 2 ये कर्टन्स यहाँ पर लगा रखे हैं, कई बार इसकी वजह से लाइट ज़्यादा हो जाती है, तो मैं कर्टन को डाल देता हूँ। और इस तरीके से ये पूरी कोचिंग है, आप देख सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये सेटअप काफ़ी लगा होगा कि अभी उतना अच्छा नहीं है, बट ये है कि मैं ट्राई कर रहा हूँ और भी चीज़ें अच्छी करेंगे। आप लोग का सपोर्ट रहा तो और भी चीज़ें इम्प्रूव करेंगे, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा। अब मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जब ये कोचिंग नहीं थी, मतलब ये कोचिंग जो है वो 2016-17 में बनी है, और उससे पहले मैं पढ़ाता था एक बहुत ही छोटे से रूम में, लेकिन उसको मैंने बहुत मन से बनवाया था, तो उसको भी आप ज़रूर देखिए। क्लासेस जहाँ पर मैंने स्टार्ट करा था, मीन्स ऑलमोस्ट आज से 10 साल पहले, तो ये बिल्कुल ही ऐसी पड़ी हुई है बंद। तो यहाँ पर मैं फ्लैश लाइट से ही चला रहा हूँ, काफ़ी दिनों से मैंने इसको ओपन नहीं करा है, और सब ऐसी फर्नीचर क्योंकि बिल्कुल बंद पड़ी है। और यहाँ पे गणेश जी हैं जो कि हमेशा ही मेरे साथ रहे, मेरा सपोर्ट कराया है उन्होंने। इस टाइप से मैंने काफ़ी ज़्यादा मन से इसको बनवाया था आज से 10 साल पहले, और हर वॉल पे आपको अलग अलग ही पेंट मिलेगा आपको इस पे। यहाँ पे देखो आप, क्योंकि उस टाइम पर ये देखिए, आप इस तरीके से देख सकते हो। बाकी इसको अभी तो क्लोज है क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, फिर से मैं इसको मेंटेन करूँगा। फाइनली आपने देखा कि किस तरह से कोचिंग है, बट आप जानते हो कि कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा है और क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो इस वजह से अनसिस्टमेटिक था, तो थोड़ा सा तो ऊपर नीचे हो सकता है, और उतना अच्छा सा अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करेंगे और अच्छा करेंगे। आप लोगों ने अगर ऐसी सपोर्ट करा, उम्मीद करते हैं कि ऑफलाइन के साथ साथ में अब मैं, जैसे कि मैंने बोला है 13 जुलाई से ऑनलाइन भी इसी तरीके से आ रहा हूँ,
और पूरी मेहनत जो मैंने 10 इयर्स ऑफलाइन में मेहनत करी है उसी तरीके से ऑनलाइन में भी करूँगा, तो आप मुझे सपोर्ट करना पूरी तरीके से और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।